हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है कास और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली और वीडियो हर एक सब्जेक्ट की मेरे चैनल पर अपलोड होती है, वहां से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके चाहोगे तो 95% मार्क्स अचीव कर पाओगे, ठीक है। डेली वीडियो आती है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। और देखिए, आज की वीडियो में आप लोगों को दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, दीर्घ उत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। टोटल 5 क्वेश्चन में आप लोगों को दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण बताऊंगा, ठीक है। काफी लंबे लंबे हैं, मैं लिख के लेके आया हूं और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई वो किस वर्ष हुई, 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। बताइए फ्रांसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, आप लोगों को बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल आता है यह प्रश्न। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब? 1789 में। मतलब कि पहले का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। कह रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, 1871 में, 1872 में, 1876 में, 1788 में। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा कि जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, बताना है। तो 1771 ईस्वी में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। आगे अगर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा यह है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। कह रहे हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए तो सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने कौन सा आंदोलन किया, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, की खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, की चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, की अहमदाबाद आंदोलन। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी जब वापस आए तो किए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। कौन किए? चंपारण सत्याग्रह किए, ठीक है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है राइट आंसर इसका, बताइए जल्दी से। कह रहा है कि वंदे मातरम गीत, इसका तो आंसर सबको आना चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को सबको आंसर आना चाहिए कि वंदे मातरम गीत जो है इसके द्वारा लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया वंदे मातरम, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा, कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा। तो भाई सबको मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो 1930 में चलाया गया। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई, पूछ रहा है। गुजरात में, कि उत्तर प्रदेश में, कि पंजाब में, कि उड़ीसा में। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए कहां बसाई गई, तो पंजाब में बसाई गई। कहां पे? पंजाब में बसाई गई। चलिए आगे बात कर रहे थे, इसका प्रश्न तो आना ही चाहिए भाई, बहुत ज्यादा काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रिया में। सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है यह कि 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके समाजवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कि रूस जापान युद्ध हुआ, कि अणुबम युद्ध हुआ। बताइए क्या होगा राइट आंसर, तो यह होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन इस बार 2022 में पूछा था, 2022 का क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, 2023 में भी आ सकता है।
चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। कह रहा है यूरोपीय देशों ने, मतलब यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। एशिया महाद्वीप का, कि अफ्रीका महाद्वीप का, कि अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, बताए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो था आप लोगों का अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा सिर्फ एक लकीर खींचकर मानचित्र में बंटवारा कर लिया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना इसको। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। कह रहा है कि बताना है इसमें से कि किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। पोटास की, कि चूना की, कि फास्फोरस की, कि इनमें से सभी। बताओ राइट आंसर क्या होगा 10वें का। तो देखो पूछा हमसे जलोढ़ मिट्टी, तो भाई जलोढ़ मिट्टी में तो पोटास भी पाया जाता है, चूना भी, फास्फोरस भी, मतलब इनमें सभी, सभी की मात्रा अत्यधिक मिलती है क्योंकि सभी मिलकर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कराते हैं। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, की लेटराइट मिट्टी। बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो भाई उसके लिए लेटराइट मिट्टी जो है ना बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? कह रहा है कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पूछा है कि जो कोयला है इन चारों में से किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन है, कि प्रवाह संसाधन है, कि अनवीकरण योग्य संसाधन है, कि नवीकरण योग्य संसाधन है। बताइए। तो देखिए कोयला जो है ना, कोयला आप लोगों का अनवीकरण योग्य संसाधन है। क्या? अनवीकरण योग्य। जल जाता है तो वापस उसको नहीं ला पाएंगे। ठीक है, राख में बदल जाता है, फिर कोयले के निर्माण में नहीं ला सकते, उसके अनवीकरण योग्य संसाधन है। इस बात को समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आंसर आप लोग बताइए कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। बताइए 10%, 20%, 30%, 40%। बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत ऐसे हैं कि जो स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है। ठीक है, तो आपके लगभग कितने हैं? 20%। कितने हैं? 20%। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। बताना कि कौन सा ऐसा संरक्षण तरीका है जो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, की चिपको आंदोलन, की वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टाइगर प्रोजेक्ट, क्या बोला है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1973 में आरंभ किया गया। तो चलिए यहां तक, अब तक हमने बात कर लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक पॉइंट समझना और इसको नोट कर लेना क्योंकि आप लोगों के 6 नंबर के लिए वो आते हैं। देखो दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण में पहला प्रश्न ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रश्न में पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं। देखिए प्रश्न आप लोगों का है प्रश्न नंबर पहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कोई रोक नहीं सकता इन प्रश्नों को, समझ लीजिए। पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में एक संक्षिप्त लेख लिखना कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसको रोक कोई नहीं सकता। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण वाला, तो देखिए किस प्रकार इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए बोला है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। कह रहा है कि जो राष्ट्रवादी भावना था वो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनमें बहुत ही काफी व्याप्त थी। ठीक है, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कह रहा है कि 1848 में सभी लोगों ने सोचे कि सभी इलाकों को जोड़कर एक हम लोग संसद द्वारा एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने को उन्होंने प्रयास किया, मगर हुआ क्या कि इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। ठीक है,
उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया, लेकिन उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व तो संभाल लिया। फिर उसका मुख्यमंत्री कौन, ऑटो वान विस्मार्क, इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने क्या किया कि प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वासराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और इस तरह कब 1871 में जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए, हमने बहुत ही ज्यादा स्पीड में पढ़ा, इसलिए क्योंकि समय नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे मैं इतना ज्यादा समय दूंगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं कहानी इसको समझाने लगूंगा तो 10 मिनट निकल जाएगा, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीका लिख के लेके आया हूँ। आप इसको एक एक लाइन पढ़ोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है, लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद करके रखना, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है एग्जाम में। तो ये तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया दीर्घ उत्तरी का, मैं इसी तरह स्पीड में पढ़ूंगा, आपको सिर्फ नोट करना है, उस पर आप लोग 2-3 बार पढ़ के डिस्कस करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलो अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरालेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर कैसे लिखेंगे उसी प्रकार में पढ़ के आपको सुनाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे रालेक्ट एक्ट, हेडिंग क्या डालोगे, रालेक्ट एक्ट हेडिंग डालोगे, और लिखोगे इसमें किरालेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जा सकता था। मतलब रालेक्ट एक्ट ये कहना चाह रहा है कि रालेक्ट एक्ट बहुत ही खतरनाक था, अगर आपने गलती भी नहीं किया ना, अगर आप पे शंका हो गया कि आपने किया होगा तो शंका के आधार पर आपको ले जाकर 2 साल जेल में आप लोगों को बंद कर दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे अगला परिणाम, क्या परिणाम हुआ, तो लिखेंगे अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद इसका विरोध लिखेंगे। देखिए, छोटा छोटा मैं पॉइंट बना के लिखा हूं, इस तरह लिखोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। विरोध में क्या हुआ, देखिए विरोध में लिखेंगे कि भारत में लोगों द्वारा रालेक्ट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया, मतलब बहुत लोग अलग अलग तरीकों से रालेक्ट एक्ट का विरोध किया, किस प्रकार किया वो देखने वाले हैं। पहला यह था कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, बहुत बड़े बड़े जो शहर थे उसमें रैली निकाला गया, जुलूस निकाला गया इस रालेक्ट एक्ट को समाप्त करने के लिए। दूसरा कि रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, जितने रेलवे में वर्कशॉप थे, जितने भी मजदूर थे, वो सब कहां हड़ताल पर चले गए। फिर कई शहरों में दुकानदार ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में लोगों ने क्या किया कि अपना दुकान बंद करके उसका विरोध किया। ठीक है, इस प्रकार विरोध किया गया रालेक्ट एक्ट को समाप्त करने के लिए। तो देखिए, विरोध हमने निकाला और परिणाम लिखाया, और इसके बाद हमने क्या निकाला, रालेक्ट एक्ट। पूरा इस प्रकार पॉइंट लिखोगे तो दूसरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, कह रहा है कि 1929 में जो महामंदी हुई उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए उत्तर लिखते हैं, उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928-1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। ठीक है, और 1928-1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी वो 50% गिर गई और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ, और यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, और टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों पर 60% से ज्यादा गिरावट आ गई, और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी, मतलब चरम पर थी, और ग्रामीण जो भारत असंतोष व उथल पुथल के दौरे से गुजर रहा था, यह मंदी शहरी भारत के लिए अत्यधिक दुखदायी नहीं रही।
ठीक है। अब मैं पूरा का पूरा पढ़ के आप लोगों को सुना दिया, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या है कि एक बार नोट करके ध्यान से एक दो बार पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इस पर अगर मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कस करने लगूंगा तो एक ही प्रश्न 10 या 15 मिनट ले लेगा। तो इसको मैं बता दिया आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट करना है, एक दो तीन बार पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रश्न ही क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक मैं रहने देता हूं, आप बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मिलता रहेगा, डेली वीडियो अपलोड होती रहेंगी, इसको पूरा पूरा देखना, जितना बता रहा हूं उतना नोट करना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।